बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हैदराबाद, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 9th क्लास के कंप्यूटर का सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? फर्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। उसमें सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले इट इज़ नेसेसरी है कि आप उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। अगर वो प्रॉब्लम आपको अंडरस्टैंड इजीली हो गई, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गई, समझ आ गई, देन 30% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप उसी टाइम फाइंड कर लेते होते हैं जब आप उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व अंडरस्टैंड करने का क्या तरीका होता है? फर्स्ट नंबर पर क्या अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, जो हमारा टॉपिक है आज का, हम इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे कि आप किसी भी प्रॉब्लम में कूदने से पहले, जंप करने से पहले, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन को फाइंड करने से पहले आप उसको कहेंगे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि पहले आप उसको डिफाइन करेंगे ताकि वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। अगर वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो गई, अच्छे तरीके से डिफाइन हो गई और आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो 30% ऑफ द सोल्यूशन आप उसी टाइम फाइंड कर लेते होते हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गई है। प्रॉब्लम अंडरस्टैंड होगी मीन्स क्या? हमारा सोल्यूशन फाइंड होगी, सोल्यूशन की तरफ हम लोग मूव करते हुए जा रहे हैं। अब हमारे इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम के? आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन को फाइंड करने से पहले उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें, देन उसके सोल्यूशन की तरफ आप लोग मूव कर जाएं। अब किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के हमारे पास एक्चुअल में 5 वेज होते हैं, 5 W's, जिनको कहते हैं 5 W's। अब क्या है 5 W's? अब 5 W's में हमारे फर्स्ट वन क्या आता है हमारे पास? व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर। फर्स्ट वन क्या है हमारे पास? व्हाट, कि व्हाट कौन, वट क्या, कि क्या करना है हमने एक्चुअल में, वट करने के जा रहे हैं हम लोग। सेकंड वन है हु, कौन करेगा, किस वजह से करेगा। ठीक है, वाई, क्यों करने जा रहा है, हमें उसकी क्या ज़रूरत है। वेन, कब तक करेगा। और लास्ट वन क्या, वेयर, किस जगह पे करेगा। किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसके ऊपर ये 5 W's का रूल कह लें या थ्योरम कह लें, हम अप्लाई करते हैं। जब तक आप किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम में जब आप इस रूल को अप्लाई करेंगे 5 W's को, आपकी प्रॉब्लम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी, तो आपके लिए वो अंडरस्टैंड करना बहुत इजीली, बहुत आसान हो जाएगा। अब लाइकवाइज जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि किसी भी, अगर हम कोई रिडल कहे कि हमें इस रिडल को सॉल्व करना है, तो हम लोग पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं, देन उसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अब लाइकवाइज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारी क्लास की टीचर ने हमें एक असाइनमेंट दी है कि आपने क्या करना है, ऐसे बच्चों की लिस्ट प्रिपेयर करनी है जो बच्चे क्या करते हैं, जिनका नाम स्टार्ट होता है ए से या बी से, ठीक है, सी से, किससे भी, यानी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपने उस लिस्ट को अरेंज करना है, तो क्या करेंगे। और हमने उसे कितना टाइम दिया, उसने 1 वीक का टाइम दिया है हमने उस टीचर ने हमें कि इस असाइनमेंट को आपने कंप्लीट करना है। अब मैं इस एग्जांपल को किस तरह सॉल्व करूंगा इन 5 W's की मदद से। फर्स्ट वन क्या हमारे पास, व्हाट, क्या कि हमने करना क्या, हमने क्या करना है, बेसिकली लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिपेयर करनी है जिनका नेम कहाँ से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है, कि आपने उन बच्चों की लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिनका नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से। सेकंड, हु, किन की करनी है, हमने किसकी करनी है, स्टूडेंट्स की करनी है, तो ठीक है हमारी इस एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास। वाई, हम लोग क्यों करना चाह रहे हैं, ये हर चीज़ की बिहाइंड एक रीज़न होती है, ठीक है, हम लोग इसलिए करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक डायरेक्टली आ जाएगी। डायरेक्टली क्या कहते हैं आप लोग, कि आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी आपके पास, जैसे हमारे फ़ोन में, हमारे किसी भी चीज़ में, हमारे कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में एक लिस्ट होती है कि हमने कौन कौन से काम किस तरह से करने हैं, ठीक है, मीन्स के मेरे पास इसका ये सीक्वेंस वाइज कि मैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अपने कॉन्टेंट्स को अरेंज कर लूँगा कि पहले ये, देन ये, देन ये, देन ये, सीक्वेंस वाइज आता रहे, यू नो कि एक मेरा लास्ट में हो, एक मेरा फर्स्ट में हो, ठीक है। हम उसकी लिस्ट प्रिपेयर करने जा रहे हैं कि अगर मैंने किसी बच्चे का नाम फाइंड करना हो, ट्रेस करना हो या उसका मैंने रिकॉर्ड फाइंड करना हो, तो मैं करूँगा इसीलिए उसके नेम पर जाऊँगा, अल्फाबेटिकली जिससे स्टार्ट होता है, फ़ौरन जाकर उसका नेम मिल जाएगा, उसी से उसका रिकॉर्ड भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग क्यों करने जा रहे हैं, ताकि हमारे पास एक डायरेक्टिव बने, एक लिस्ट बचे जिससे हम अपने काम को इजीली सॉल्व कर सके हूं। फोर्थ वन हमारे पास क्या है, विद इन अ वीक, व्हेन, कि कब तक करना है। किसी भी काम को करने के हमारे पास डेडलाइन होती है। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को, जब तक आप एक डेडलाइन नहीं देंगे, तो आपका काम कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अपने काम को सर अंजाम देने के लिए, अपने काम को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उस बंदे को, उस पर्सन को डेडलाइन देनी पड़ती है कि वो अगर डेडलाइन से पहले पहले आपका काम करता है। अगर आप उसको डेडलाइन नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो फ्री हैंड होकर बैठ जाएगा कि मेरी मर्ज़ी, जब दिल करेगा मैं कर लूँगा, जब दिल करेगा मैं उसको स्टॉप कर दूँगा, क्योंकि मुझे कोई डेडलाइन नहीं दी गई।
आप उसको एक डेडलाइन देते हैं कि आपने इस प्रॉब्लम को, इस का सोल्यूशन मुझे फाइंड करके देना है इतने टाइम के अंदर। हमारी कंडीशन में क्या है कि हमने उसको एक वीक दिया स्टूडेंट्स को कि हम, मैं आपको एक वन वीक देता हूँ कि आपने एक डायरेक्टिव बनानी है जिनका बच्चों का नाम स्टार्ट होता है ए से। वैन में क्या आ गया, विद इन अ वीक कि आपने वन वीक के अंदर उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन फाइंड करना है। वेयर किस जगह पे करना है, अब हर जगह को, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी स्पेसिफिक प्लेस होती है। जैसे कि हम लोग प्रेयर्स अदा करते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, हम लोग मस्जिद को प्रेफर करते हैं कि मस्जिद में जाके हमें सवाब मिले, क्योंकि उसकी प्रॉपर सी स्पेस बनाई है, प्रॉपर सी जगह जहाँ पे इंसान खलूस से इबादत को कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे जाके अपनी नमाज को अदा करते हैं। सेम यही तरीका है, हम लोग अब स्टूडेंट्स को असाइन किए, स्टूडेंट्स को ये घर का काम नहीं होगा, स्टूडेंट क्या कहेगा, ये स्कूल में बैठ के वन वीक में स्कूल में आएगा और उसमें थोड़ा टाइम स्पेयर करके उस लिस्ट पे थोड़ा वर्क करेगा। वर्क करेंगे तो हमें अपना सोल्यूशन की तरफ हम लोग फाइंड करेंगे, सोल्यूशन हमारा मालूम होगा। अगर हमारा सोल्यूशन फाइंड होगा देन ही हम अपने सोल्यूशन को फाइंड करके आउटपुट हम अपना लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको अगेन रिपीट कर देता होता हूँ कि आज का हमारा टॉपिक था प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है। मैंने आपको लेक्चर नंबर वन में बताया था, लेक्चर नंबर टू में बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वो एक्टिविटी होती है कि आप प्रॉब्लम को अपने सोल्यूशन करते हो, उसको अच्छी तरीके से डिफाइन करते हो ताकि वो आपको समझ में आ जाए। अब उस पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के हमारे पास सेकंड स्टेप था प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग का, प्रॉब्लम कि अपने प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें ताकि वो आपको सोल्यूशन की तरफ ले जाए, ना कि आपको उससे डर या आपको, जब आपकी प्रॉब्लम आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी, अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आप उससे डर के भागोगे, डर के भागेंगे अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे पास उसको सोल्यूशन नहीं आएगा, सोल्यूशन नहीं आएगा तो हमारी प्रॉब्लम स्टिल हमें वही अपनी जगह पर प्रेजेंट रहेगी, जिसकी वजह से हमें वो एरर डे बाई डे फेल करेगा, फेस करना पड़ेगा अनटिल के हम उसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर लेते। तो हमारे पे किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के हमारे बेसिकली कितने होते हैं, 5 W's, एक रूल है जिसको हम अप्लाई करते हैं, 5 W's। 5 W's हमारे पे कौन कौन सी चीज़ें आती है, वट हु वाई व्हेन एंड वेयर, ये 5 W's मिलके हमारे पास मिलाते हैं कि 5 W's की इन, अगर आप इन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप इन 5 W's को अप्लाई करें, उसमें से 5 W's फाइंड आउट करें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगी। फर्स्ट वन हमारी कंडीशन में क्या था कि हमने एक बच्चों की लिस्ट डायरेक्टिव बनानी थी, तो क्या करना है, हमने एक बच्चों की लिस्ट की डायरेक्टिव बनानी है, लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपको दी गई है। हु किन की बनानी है, स्टूडेंट्स की बनानी है। वाई क्यों बनाना है, हम एक डायरेक्टिव बनाना चाह रहे हैं इसलिए हमने उसकी लिस्ट बनाना पड़ रही है। व्हेन विद इन अ वीक, हमें एक वीक के अंदर हमें ये काम को सर अंजाम देना है। और लास्ट वन क्या, हमारे पास स्कूल, वेयर स्कूल में बैठ के हमने इस काम को देना है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा आप लोगों ने। ये हमारा लेक्चर 2 का आज यहीं पे इख्तिताम होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। शुक्रिया।